Assalamu alaikum dear students, my name is Professor Rai Noor. Hope you are well. So dear students, aapke saath jo abhi math ka ek question hai, bada acha result hai, prove hai, to discuss karte hain. Acha ji, ye topic jis topic mein se liya gaya hai, ye quadratic equation wale topic mein se hai. और इस बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक है इसका. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ़ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा, देन प्रूव दैट स्क्वायर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू जीरो. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो पी है, बी की वैल्यू क्यू है और सी की वैल्यू भी क्यू है. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है उसको हम ए कहते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक्स के ए की वैल्यू पी है और एक्स का कोफिशेंट बी होता है, तो बी की वैल्यू क्यू है और सिंपल कॉन्स्टेंट सी होता है, सी की वैल्यू क्यू है. अब अल्फ़ा बीटा जो हैं इसकी रूट्स हैं. इफ़ अल्फ़ा बीटा आर इट्स रूट्स, ओके, तो फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी. तो सम ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो आपको पता है कि सी ओवर ए होता है और सी की वैल्यू यहाँ पर क्यू है और ए की वैल्यू पी है. इसको जो है ना मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ. आपके पास जो है ये इक्वेशन वन है और इसको मैं इक्वेशन टू कह लेता हूँ. अब आप देखें तो जो हमने प्रूफ करना है उसमें तो स्क्वायर रूट आ रहा है, ओके, और यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो अपने पास इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट लेना कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा. तो इधर जो है वो दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं. तो दोनों तरफ जो है ना वो आप स्क्वायर रूट लें, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट और क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, इसको चाहे आप इक्वेशन थ्री कह दें. अच्छा जी, अब इक्वेशन वन को आपने इक्वेशन थ्री से डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन थ्री, ओके. तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट और माइनस क्यू ओवर पी ओवर क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, ठीक है. राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को डिवाइड किया. अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम, यानी कि अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट. अच्छा जी, अब ये ऊपर वाला जो क्यू ओवर पी है आपको पता है कि इसको मैं दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, यानी कि क्यू ओवर पी इज इक्वल टू क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट और फिर क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, ठीक है. तो इसको मैं दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखूँगा तो ये बन जाएगा क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, क्योंकि ये दोबारा मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट ओवर क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट. तो ये जो एक क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट है ये एक ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब यहाँ पर भी इसी तरह इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाला जो अल्फ़ा है इसको हम दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर रूट और इनको अलहदा अलहदा अल्फ़ा स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट बीटा अलहदा अलहदा लिख सकते हैं. ऊपर वाला जो बीटा है इसको दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लें इस तरह से, और नीचे भी स्क्वायर रूट अल्फ़ा और स्क्वायर रूट बीटा और माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्लियर. अब यहाँ पर आप देखें बेटा तो ये स्क्वायर रूट अल्फ़ा और स्क्वायर रूट अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा
स्क्वायर रूट बीटा से स्क्वायर रूट बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा ओवर स्क्वायर रूट बीटा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर रूट और माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। अब हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं, तो अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट और ये माइनस वाली वैल्यू को इधर ला के आप प्लस कर लें तो प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान जो प्रूव है वो आपका कंप्लीट होता है। इसको बेटा आप पढ़ें अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें और राय नूर को आप इजाज़त दें, खुश रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।